हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फिशा टेक्निकल माइंड में। हमेशा की तरह आज भी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के फ्यूज बॉक्स डायग्राम के बारे में। डैशबोर्ड के अंदर कितने फ्यूज और कौन सी रिले लगी हुई होती है। दोस्तों, ये पुरानी गाड़ी का मेरे पास फ्यूज बॉक्स है। इस प्रकार फ्यूज बॉक्स आता है गाड़ी के अंदर, जहाँ की लोकेशन आप देख रहे हैं वीडियो की स्क्रीन पर चल रही है, ये लोकेशन होती है यहाँ पे होता है। मेरे पास डैशबोर्ड की गाड़ी खुली हुई थी तो मैंने यहाँ से शूट कर लिया है और ऐसा कुछ ऐसे लगा हुआ होता है। इसके पीछे दो रिले होती है फ्यूज बॉक्स के पीछे। तो ये पहले वाली जो रिले होती है, ये होती है अपनी ब्लोअर, जो मोटर होती है अंदर जो हवा देता है ब्लोअर, उसी की रिले आती है जो बहुत अंदर आती है, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वीडियो में पीछे। आगे जो रिले है, एक और रिले है छोटी, जो कि 4 पिन रिले होती है, वो हॉर्न की रिले लगी हुई है। दोस्तों, आगे बात करेंगे फ्यूज, कितने फ्यूज होते हैं, कौन सा फ्यूज कहाँ है, क्या काम कर रहा है, वो इसी वीडियो में देख लो। फ्यूज बॉक्स आप देख रहे हैं स्विफ्ट डिजायर में और स्विफ्ट में यही आता है। ये जो 30 एम्पियर का जो फ्यूज आप देख रहे हैं, ये होता है अपना पावर विंडो ग्लास का जो फ्यूज होता है, वो वाला फ्यूज है सर। इससे अपने ग्लास ऊपर नीचे होते हैं, ये पावर विंडो का फ्यूज है। इसके बाद में जो आगे वाला ये 25 एम्पियर जो फ्यूज है, ये हो गया अपना, जिससे वाइपर अपने चलते हैं ग्लास साफ करने वाले, वो वाइपर का फ्यूज है सर। इसके बाद में नेक्स्ट ये जो 15 एम्पियर फ्यूज है, ये हो गया अपना चार्जर सिगरेट एसेसरी में जो आते हैं, चार्जर वाला जो सिगरेट वाला अपना, वो वाला फ्यूज है। इसके बाद में फिर ये 15 एम्पियर फ्यूज है, ये जो टेप हो गया अपना, यूएसबी एयूएक्स केबल जो लगते हैं, इसी का फ्यूज होता है। इसके बाद में आगे आता है अपना ये जो 15 एम्पियर फ्यूज है, ये हो गया अपना वाइपर, जो पानी वाला मोटर होता है वो फ्यूज हो गया, जिससे पानी की मोटर चलती है वाइपर के साथ, वो वाला फ्यूज है। इसके बाद में आगे जो ये 7.5 एम्पियर जो फ्यूज है, ये हो गया अपना ब्लोअर की जो मोटर होती है, जिससे हवा आती है गाड़ी में, ब्लोअर चलता है, उसका फ्यूज है 7.5 एम्पियर का। इसके आगे जो ये 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज है, ये हो गया अपना स्टार्टर मोटर, सलप होता है, सलप का फ्यूज है, इससे गाड़ी अपनी क्रैंकिंग करती है। ये फ्यूज चला गया तो भी गाड़ी अपनी क्रैंकिंग नहीं करेगी, सलप काम नहीं करेगा। ये जो 10 एम्पियर का फ्यूज है, ये हो गया अपना एबीएस मोटर का एंटिक लॉक ब्रेक सिस्टम। जब अपन गाड़ी ओवर स्पीड में होती है और एकदम से अचानक ब्रेक लगाते हैं, उस वक्त गाड़ी के कंट्रोल को बनाए रखने में मदद करता है ये एबीएस मोटर। इसके बाद में आगे ये जो 10 एम्पियर का फ्यूज है, ये हो गया अपना बैक गियर की जो लाइट होती है पीछे, उसका फ्यूज हो गया। अगर ये फ्यूज भी सही है तो उसके बाद में बैक गियर स्विच के वायर और बैक गियर स्विच को चेक करें। इसके बाद में आगे जो ये 7.5 एम्पियर का फ्यूज है, ये हो गया अपना इग्निशन स्विच वाला फ्यूज हो गया। इसके बाद में आगे वाला जो फ्यूज है, वो है अपना 10 एम्पियर का फ्यूज, ये हो गया अपना मीटर का फ्यूज है, इससे मीटर की लाइटें चली जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होगी और अपना किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं बताएगी, ये वाला फ्यूज हो गया। इससे आगे वाला जो फ्यूज आता है 20 एम्पियर का, ये जो फ्यूज है, ये हो गया अपना रियर डिफोगर। रियर डिफोगर अपना जो शीशे पे लगा होता है और किस प्रकार काम करता है, वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में अपना जो फ्यूज है, ये जो 15 एम्पियर फ्यूज है, इससे मीटर में बैटरी की लाइटें चली जाएगी, ऑयल की लाइट नहीं आएगी, और ये अपना जो मोटर है, डीजल की जो मोटर वगैरह की सप्लाई होती है, वो सब इससे चली जाती है, वो वाला फ्यूज हो गया। इसके बाद में आगे ये जो 10 एम्पियर का फ्यूज आप देख रहे हैं, ये हो गया अपना जो एयर बैग होते हैं, अपने डैशबोर्ड में 2 एयर बैग लगे होते हैं, उनका फ्यूज है। अगर एयरबैग की बत्ती आ रही है तो सबसे पहले इसी फ्यूज को आपको चेक करना है।
इसके बाद में ये जो 7.5 एम्पीयर का जो फ्यूज है, जो कि अपना स्टीयरिंग के ऊपर जो क्रूज कंट्रोल लगा हुआ होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको 7.5 एम्पीयर का ये वाला फ्यूज चेक कर लेना होता है। इसके बाद में आगे ये जो 10 एम्पीयर का फ्यूज है, ये हो गया अपना स्टॉप ब्रेक लाइट, पीछे की जो ये ब्रेक लाइट होती है अपने, उसका फ्यूज है। अगर दोनों साइडों की और डिग्गी की लाइट नहीं जल रही है ब्रेक वाली, तो आपको ये फ्यूज सबसे पहले चेक करना है। इसके बाद में आगे जो 7.5 एम्पीयर का फ्यूज आप देख रहे हैं, ये हो गया अपना जो कि बम्पर में जो फॉग लैंप लगा होता है रियर यानी पीछे की साइड, उसका फ्यूज है। अगर वो वाला काम नहीं कर रहा है तो आपको इस फ्यूज को चेक करना है। इसके बाद में आगे जो 20 एम्पीयर का फ्यूज है, ये हो गया अपना जो डोर लॉक होता है, जो अपन डोर को लॉक करते हैं उसका फ्यूज है। अगर डोर लॉक अनलॉक ना हो तो आपको सबसे पहले इसी फ्यूज को चेक करना है। इसके बाद में आगे जो अपना 10 एम्पीयर का फ्यूज है, ये हो गया अपना इंडिकेटर जो काम नहीं करे कोई भी, तो अपने को सबसे पहले यही फ्यूज चेक करने हैं। अगर इंडिकेटर चारों इंडिकेटर साथ और वैसे भी इंडिकेटर काम ना करे तो इसी फ्यूज को चेक करना है। ये हो गया। इसके बाद में 15 एम्पीयर का जो फ्यूज़ है, ये हो गया अपना हॉर्न का फ्यूज है। अगर हॉर्न काम ना करे, वायरिंग वगैरह सब सही है, अगर फ्यूज भी सही है, तो डैशबोर्ड के पीछे जो रिले बताई है, एक बार उस रिले को भी ज़रूर चेक करें ताकि हॉर्न बज सके। इसके बाद में आगे जो आता है अपना 10 एम्पीयर का जो फ्यूज होता है, ये हो गया अपना जो पार्किंग की लाइट ना चले, आप में बल्ब वगैरह सही है, सभी लाइटें पार्किंग की एक साथ अगर बंद हो जाती है तो आपको ये 10 एम्पीयर का फ्यूज चेंज कर लेना है। इसके बाद में आगे जो 7.5 एम्पीयर का फ्यूज आप देख रहे हैं, ये हो गया अपना फाटक वगैरह जब खोलते हैं, जब रूफ़ की लाइटें वगैरह जलती है छत वाली, उसका फ्यूज हो गया। अगर छत की लाइटें काम नहीं कर रही है तो आपको इस फ्यूज को चेक करना है। इसके बाद में आगे ये जो 15 एम्पीयर का या फ्यूज़ आप देख रहे हैं, तो ये हो गया अपना म्यूजिक सिस्टम का फ्यूज़। अगर म्यूजिक सिस्टम काम ना करे तो इस फ्यूज को चेक कर लेना है। फ्यूज बॉक्स का डायग्राम तो अब कंप्लीट हो गया दोस्तों, लेकिन अब बात रह गई अपनी रियर डिफोगर क्या होता है, जो वीडियो में अपन ने बात की थी उसकी बात करेंगे, और क्रूज कंट्रोल क्या होता है वो भी आगे इसी वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। गाइस अपन ने बात की थी वीडियो में क्रूज कंट्रोल और रियर डिफोगर के बारे में, तो चलो मैं आपको दोनों फीचर्स इस कार में दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी स्विफ्ट है नहीं, तो मैंने ब्रेजा गाड़ी ले ली है, और सबसे पहले अपने को गाड़ी की सीट पर बैठ जाना है, उसके बाद में गाड़ी को अपने को स्टार्ट कर लेना होता है। स्टार्ट के बाद अपनी कार में ये जो डैशबोर्ड में कुछ फीचर्स होते हैं, इनमें अपन देखेंगे तो हर गाड़ी में अलग अलग फीचर है। मैंने ये फ्रंट वाला डिफोगर ऑन कर दिया है, फ्रंट जहाँ लिखा है। अब अपने शीशे पे अगर जो धूल जमी हुई होगी वो धीरे धीरे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसके बाद में ये पीछे का जो रियर डिफोगर है ये ऑन कर दिया है यहाँ से। अब चलते हैं अपन पीछे ग्लास के पास, जहाँ मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार डिफोगर काम करता है। जैसे कि अपनी डिग्गी है, डिग्गी के पीछे लाइनिंग वाला कोई ग्लास होता है जिसमें रेड कलर की लाइनिंग होती है। डिग्गी को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आसानी से देखने को मिल सके। जैसे ये देखो, आपको वायरिंग के तार दिख रहे हैं शीशे में, यहाँ दोनों साइड में पिन्ने लगी होती है जिनमें 6 वोल्टेज करंट चलता है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो वायर है, ये टेम्परेचर पे 6 वोल्ट पे काम करते हैं, जिससे अपना ग्लास गर्म होगा और सर्दियों के टाइम में जो ओस होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर आप कभी भी वॉशिंग करवाओ तो ग्लास को अंदर से साफ नहीं करवाना है, जिससे ये जो वायर होते हैं डिफोगर के वो अपने ख़राब ना हो। अब चलते हैं आगे क्रूज कंट्रोल सिस्टम की तरफ। तो क्रूज कंट्रोल अपना यहाँ स्टीयरिंग पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। जैसे ही अपन इसको प्रेस करते हैं तो अपने डैशबोर्ड में
क्रूज कंट्रोल की लाइट ऑन हो जाती है। जैसे मैंने प्रेस किया ये डैशबोर्ड में देखो आप मीटर में लाइट ऑन हो गई, मीटर में लाइट क्रूज वाली दिख रही, मतलब अपना क्रूज कंट्रोल काम करने लगा। क्रूज कंट्रोल का काम है अगर आप 4 लाइन 6 लाइन पे चल रहे हैं उस वक्त, दोबारा प्रेस करते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। काम में कहाँ लेना होता है इसको, जैसे अपन हाईवे पे चल रहे हैं तो हाईवे पे इसको अपन ने 80 की स्पीड ले ली गाड़ी की और एक्सीलेटर ब्रेक से पांव हटा लिया तो गाड़ी अपने आप ड्राइव करेगी, अपनी स्पीड कम नहीं होगी। अपने को स्पीड बढ़ानी है तो यहीं से अपन इसको प्लस वाले को ऑन करेंगे तो 5 की रफ्तार बढ़ेगी। एक बार प्रेस करेंगे, दो बार करेंगे तो 10 की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर माइनस की तरफ करेंगे तो स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी। अचानक ब्रेक लगाना है, जैसे अपन ने ब्रेक लगाया तो ये क्रूज कंट्रोल अपनी गाड़ी से डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर दोबारा अपने को क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करना है। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है इस पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।